हाय एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये क्लियर करने वाले हैं कि मर्चेंट नेवी में अपना कैरियर कहाँ से स्टार्ट करें। इंडियन कोस्टल से स्टार्ट करें, गल्फ में स्टार्ट करें, या FG से स्टार्ट करें, छोटे वेसल से शुरू कर सकते हैं या बड़े वेसल में डायरेक्ट जाएँ। सबसे ज़्यादा ओपन CDC और GP रेटिंग फ्रेशर्स के दिमाग में यही क्वेश्चन चलता है कि हम कैरियर कहाँ से स्टार्ट करें। तो आज की इस प्रॉपर वीडियो में हम लोग यही क्लियर करने वाले हैं कि आप कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ओपन CDC फ्रेशर्स की। देखिए, ओपन CDC फ्रेशर को डायरेक्ट कोई बड़ा IT कंपनी तो लेगा नहीं। सबसे सिंपल बात है कि कोई बड़ा IT कंपनी एज ए फ्रेशर में आपको नहीं लेगा। तो देखिए, अगर आप कोई नॉर्मल कंपनी में जाना चाहते हैं, कोई बड़ा जहाज में 10,000-15,000 GRT में जाना चाहते हैं, तो सिंपल सी बात है, आप एजेंट या किसी ऑफिस के थ्रू जाएंगे और आपको बहुत बड़ा पैसा देना पड़ेगा। और आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होगा क्योंकि आपने ओपन CDC किया है, तो सिंपल सी बात है आपके पास पैसा ज़्यादा नहीं होगा। तो देखिए, ओपन CDC को मैं सीधा सजेस्ट करूँगा, अगर आप इंडियन कोस्टल में कोई छोटा वेसल कम पैसे में मिल रहा है तो आप वहीं से करियर अपना स्टार्ट कर सकते हैं, या गल्फ में कोई छोटा वेसल मिल रहा है, टग, सप्लाई वेसल, जनरल कार्गो, तो वहाँ से आप अपना करियर स्टार्ट कर दो। पहले आप सर्विस ले लो, आप वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट मिनिमम ले लो, इसके बाद ऑटोमेटिक धीरे धीरे आप इंक्रीज कर जाओगे और धीरे धीरे आप मेन फ्लीट में स्विच हो जाओगे और आप अच्छा रैंक और सैलरी पा सकते हो। सिंपल सी बात है, आपको कोई भी वेसल मिल रहा है आप स्टार्ट करो, बड़े जहाज के इंतजार में मत बैठो। ओपन CDC के लिए मैं बोल रहा हूँ, बड़े जहाज के इंतजार में मत बैठो, ज़्यादा पैसा वेस्ट मत करो, जीरो से स्टार्ट करो, कम पैसे लगा के स्टार्ट करो। और स्टार्टिंग में इंडिया में आपको सैलरी कम मिलेगा। अब बहुत सारे लड़के बोलते हैं मैं टग में जाऊँगा तो मेरा क्या होगा, बड़ा जहाज नहीं लेगा। ऐसा कुछ नहीं है, आप टग में जाओ, प्रॉपर टग होना चाहिए, आर्टिकल ऑन होना चाहिए, सर्विस आपका काउंट होना चाहिए, वॉचकीपिंग आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आप धीरे धीरे टग के बाद सप्लाई में चले जाओ, सप्लाई के बाद जनरल कार्गो में चले जाओ, 3-4 कॉन्ट्रैक्ट करो, वॉचकीपिंग निकालो, सर्विस ले लो, इसके बाद आप मेन फ्लीट में ट्राई करो, नहीं हो रहा थोड़ा पैसा दे के एजेंट को चले जाओ, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं GP रेटिंग की। देखिए, GP रेटिंग फ्रेशर्स के फ्रेशर्स का SCI में, सिनर्जी में एग्ज़ाम होता रहता है, तो बहुत सारे लड़के तो वहाँ पर एग्ज़ाम क्वालीफाई करके नहीं जा सकते। तो कुछ लड़के जो एग्ज़ाम क्वालीफाई कर सकते हैं, इंटरव्यू क्वालीफाई कर सकते हैं, वो लोग वहाँ पर अप्लाई करें, एज ए फ्रेशर आपको IT कंपनी मिल जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज़, जो अभी सब लड़के तो वहाँ पे क्वालीफाई नहीं कर सकते और सब लड़कों के लिए इतना वैकेंसी भी नहीं रहता है, तो क्या है, जो लोग क्वालीफाई नहीं कर सकते उन लोग के लिए क्या है, अगर आपके पास पैसा है, एजेंट कोई आपकी जानकारी में है, कोई ऑफिस जानकारी में है, तो आप पैसा देके चले जाओ, सिंपल सी बात है। और पैसा तो बहुत ज़्यादा लगता ही IT लेवल की कंपनी के लिए, अच्छा जहाज के लिए, तो आप वहाँ पर जा सकते हो। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास, आप जीरो हैं, आपके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, तो सिंपल सी बात है, आप कोई भी वेसल में चले जाओ। गल्फ़ में अगर आपको मिल रहा है कोई 1.5-2 लाख रुपए के समथिंग में मिल रहा है तो आप चले जाओ, नहीं तो आपको इंडिया में आप कोई मिल रहा है, टग मिल रहा है फ्री में। अभी बहुत सारे GP रेटिंग वाले बोलते हैं कि मेरे को बहुत कम से कम चार्ज में टग मिल रहा है, कोई को तो बोलता है मेरे को कॉलेज टग में फ्री में प्लेसमेंट दे रहा है, तो आप चले जाओ, बिल्कुल मत सोचो। अगर आपके पास पैसा नहीं तो आप चले जाओ। देखिए, आप क्या है, आप 6 महीना करोगे आपका वॉचकीपिंग सर्टिफिकेट आ जाएगा, तो 6 महीना आप कर लो, 6 महीना कौन सा ज़्यादा होता है, कुछ पैसे भी मिल जाएंगे और आपको वॉचकीपिंग सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अभी ये बताओ, टक का वॉचकीपिंग है बोलेंगे बड़ा कंपनी नहीं लेगा, अगर आप फ्रेशर है तो आपको बड़ा कंपनी ले लेगा क्या, नहीं लेगा ना। तो सिंपल सी बात है, किसी के बातों में मत आओ, अगर आपके पास वॉचकीपिंग है तो आपके पास जॉब मिलने के चांसेस है, फ्रेशर में आप बैठे ही रह जाओगे। मेरा मतलब ये है कि आप कोई भी जहाज से अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं, किसी की बातों में मत आओ, बस जहाज प्रॉपर होना चाहिए, आपका सर्विस काउंट होना चाहिए, वॉचकीपिंग आना चाहिए, और जैसे ही आपने 2 या 3 कॉन्ट्रैक्ट एक्सपीरियंस बना लोगे तो ऑटोमेटिक आपको फ्यूचर दिखने लगेगा, अच्छा सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाएगा, रैंक प्रमोशन भी हो जाएगा। तो कैसी लगी हमारी जानकारी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे चैनल पे समथिंग 6000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं, जल्दी से 10,000 तक पहुँचाइए, और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।